नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का अन पे और लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल पे माय नेम इज यू सिंह आई टीच लाइफ फॉर मैंने सो वेरी वेरी गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले बहुत ही माफी चाहता हूँ यार मैं आजकल जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है पर्टिकुलरली लास्ट नाइट से ही जो है काफी बारिश हो रही है मेरे इलाके में तो लाइट वाइट की जो है प्रॉब्लम थी सो आई कुड नॉट टेक अप द कंटेंट प्रॉपरली तो कंटेंट इट स्टिल ओके नॉट सो मच बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम द पास्ट वन वीक सो आई वाइक की आप जो है सारी चीजें जो है आज की क्लास में अच्छे से देखें समझें और जो है पढ़ें उनको और जानने की कोशिश करें याद रखने की कोशिश करें और राइट सो आई आर एंड द वर्ल्ड गेज़ हमारी वीकली क्लास होती है इसमें पूरे हफ्ते का और पिछले पूरे साल का जो है करंट अफेयर्स कवर करते हैं सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू सिंसियरली चाहे आप एग्जाम जो है 2023 में दे रहे हो या 2024 में दे रहे हो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो डोंट मिस एनी ऑफ दिस क्लासेस और राइट सो लेट स्टार्ट इट ओके स्टार्ट कर देते हैं वेरी वेरी गुड इवनिंग ओके सृष्टि तो क्या हम पे बोल रही है कि सर हमने कोई वो क्लास एक एक आप बता दो एक एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट या एक कोई इनिशिएटिव मैंने लिया हो और वो मैंने पूरा नहीं कराया हो मैंने माना काफी एजुकेटेड यूट्यूब पे ऐसा कर देते हैं कि पूरा नहीं करवाते हैं वो ठीक है लेकिन आप मेरा बता दो क्योंकि मैं इस चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर हूं कि मैंने कौन सा आपको सब्जेक्ट या कुछ वादा किया हो वो पूरा नहीं हुआ हो चाहे आपका प्रॉब्लम क्रैकर्स हो चाहे से आपका सिक्योर प्रॉब्लम्स हो चल रहा है वो अभी भी चाहे से आपको फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई हो चाहे से आपको आई आर मैंने पढ़ाया हो पहले कौन सी चीज़ है जो मैंने अधूरी छोड़ दी है पूरी नहीं करे मुझे ये बता दो और कौन सा एक दिन है जो इस दिन में क्लास नहीं लेता चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो या मंडे हो या ट्यूज़े हो कल ही मैंने दो क्लासें ली है आज संडे को भी आपके लिए हाजिर हूँ मंडे टू फ्राइडे तो दो दो तीन तीन क्लास रहती है एक दिन भी मैं आराम नहीं करता उसके बाद भी आपको मुझसे शिकायत है सारी पीडीएफ मैं आपको देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे सारी पी डी पहुँच जाती है वो भी आई डोंट थिंक एनी अदर एजुकेटर देता है तो फिर भी आपको मेरे से क्या शिकायत है आप जो है लिख कर बताइए ऐसे इल्जाम मत लगाइए आप बताइए मैंने कौन सा जो है काम जो है पूरा नहीं किया एनी आगे बढ़ते हैं ठीक है तो जो आपके लिए मैं आई का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं वापिस सो so, इस न्यूज को जो है ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ठीक है और ये एक फ्री कोर्स रहेगा ठीक है यानी कि कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है इसके लिए अन अकेडमी यूपीएससी जो चैनल है हमारा ठीक है अन अकेडमी यूपीएससी जो चैनल है Okay. उस होगा मंडे टू फ्राइडे कल पांच बजे कोल्ड वॉर से मैं शुरुआत करने वाला हूं. मैं आपको करंट अफेयर तो मैं यहाँ पढ़ते ही आई का थोड़ा बहुत वहां भी पढ़ेंगे लेकिन वहां जो मेजर फोकस रहेगा वो स्टैटिक पोर्शन पे रहेगा ठीक है सो दैट विल बी दस ऑल ऑफ यू डू कम टू एंड स्प्रेड दिस गुड वर्ड बिटवीन यूर फ्रेंड दैट यू नो फ्रॉम टुमोरो वी आर स्टार्टिंग द इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम स्क्रैच ओके एवरीथिंग विल भी कम्पलीटेड कोई शिकायत आपको नहीं रहने वाली है जो बच्चे पहले आई आर मुझसे पढ़े हुए हैं वो अभी भी उनके मैसेज आ रहे हैं कि बोलो सर आपके उनमें से बहुत क्वेश्चन आए बहुत मदद मिली कोई दूसरे एग्जाम उन्होंने दिए वहाँ पर बहुत उनको मदद मिली डेफिनेटली यही सर आपको जो है मदद तो मिलेगी और आई आर जिन लोगों को हार्ड लगता है थोड़ा भी उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बात है कि यही आपको ये सब्जेक्ट जो है अब इतना ईजी लगेगा ना कि आप बोलोगे सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है आई आर ओके और थैंक्स आप मेरे को बाद में बोल दीजिएगा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो आइकॉनिक और प्लस ओके okay? बट कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में बोलता हूँ आपको जिसमें कि आप आइकॉनिक ले सकते हो जीएस के लिए और कॉम्बो लेना है अपने को ऑप्शनल के लिए ठीक है है कोड अपने को यूज करना यूपीएससी की गई उस कोड से जो है आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं एंड यू हैव टू यूज दैट कोड बिकॉज इट इज इन योर इंटरेस्ट बाकी किसी भी कोड से इतने फायदे नहीं मिलते हैं क्यों लेना चाहिए अकेडमी का सब्सक्रिप्शन रिजल्ट बचो बेहतरीन था बीस में इक्कीस में और भी बेहतरीन रहा बाईस में आप जो है और भी बेहतरीन करोगे उसको और ये सारे जो है रीजन आपके लिखे हुए हैं कुल मिलाकर टोटल पैकेज है बच्चों बेस्ट एजुकेटर्स का ये एजुकेटर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से मिलते हैं पे ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए फीस है यही उनसे बेटर क्वालिटी तो मैं वहीं काम करता था पहले इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है दो माह में काम कर चुका हूं ठीक है उससे बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी एन अकेडमी पे थ्रो एट थ्रो प्राइज ओके बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन ओके दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन ओके विच एज गेम विच इज बिंग बीन प्लेड फ्रॉम पास्ट टेन ईयर्स ठीक है तो उसका फायदा उठा सकते हो बैचेस चालू हो रहे हैं बाईस तारीख से और बा चौबीस जून को आपका लगभग रिजल्ट आने की संभावना है प्रलम्स का चौबीस जून को ठीक है जो भी प्रलिम्स हुआ था पाँच जून को तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ऑप्शन भी चालू हो रहा है सी कोड क्यों स्पेशल है क्यों खास है जिसके कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं तो अपना चुनाव जो है वो सही से करिएगा क्योंकि यही कोड आपको देता है लाइफ टाइम एंट्रिंग और गाइडेंस यही कोड आपको देता है वैल्यूडेशन मटेरियल जिसमें आपको सारे इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर जो है मैं मुहैया कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हजारों लाखों रुपए तो स्टेट सीरीज का ही प्राइस हो जाता है अगर आप सारा देखो तो ठीक है और आपको हॉलिस्टिक कवरेज पूरा मिलेगा तो उसके लिए यूज कीजिए स्टी यूपीएससी कोड ठीक है स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है उसको क्या हो गया ओहो कंप्यूटर ही हैंग हो गया आज तो पहली बार हुआ ऐसा ऐसा पहली बार हुआ है तो वही आज मैं बोल ही रहा था आपको जो है क्लास भी लेट हो गई कई सारी टेक्निकल समस्याएं आज आ जा रही है गुड आफ्टरनून कर लेते हैं जब तक तो बच्चों क्या करें इसका बताओ आप कमेंट चालू हो गया चालू हो गया अरे सब कुछ गायब ही हो गया ओके थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है स्क्रीन पे

डू रीच मी आउट ओके सबसे पहले बच्चों आपके लिए सबसे फेवरेट न्यूज आप सभी जो है ऑनलाइन उपभोक्ता है ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल करते हो तो फाइव का जो है आपको इंतजार होगा बहुत ही बेसब्री से मुझे भी है गाइज ओके okay? क्योंकि मैं यार बाहर नहीं जा पाता हूँ लगभग दो साल हो गया है मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ ट्रेवल नहीं कर पाता हूँ बेसिकली क्योंकि मेरा काम जो है इंटरनेट के बिना नहीं चल सकता और इंटरनेट बचो मुझको ऐसा नहीं चाहिए नॉर्मल जो शायद आपका काम चल जाए मेरे को हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए मोबिलिटी के दौरान मतलब मैं सफ़र भी करता रहूँ और मेरा नेट भी चलता रहे क्योंकि तो इसका इसलिए मैं तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ वो जो फाइव का आई होप आप भी इंतजार कर रहे होंगे ओके और भी क्योंकि इंटरनेट के बहुत सारे काम है मेरा मेरा तो मकसद ये है कि मैं अपनी क्लास जो है कहीं से भी ले सकूं चलते फिरते घूमते फिरते दो साल से जो है अपने घर के इस कमरे में बंद रहता हूं मैं अठ अस्सी परसेंट समय मेरा इसी कमरे में बीतता है स्टूडियो में ही बीतता है ठीक है घर वाले भी अब जो है इस कमरे को अलग ही ट्रीट करते हैं क्या ये जो है नो गो जोन एक तरह से यहाँ ना जाना है ना आना है ना किसी को भेजना है ना यहाँ पे जो आदमी रहता है वो बाहर आता है ज़्यादा तो खुद ही खुद जो है मैं बंद इस खिड़की में से बस बाहर देखता रहता हूँ क्या हो रहा है तो ये गई मेरी बहुत अच्छा है कि जो है फाइव जी यार जल्द से जल्द आए और जो है मैं आज़ादी मिले मुझे भी काम कर मतलब घूमने फिरने की तो जो फाइव जी के लिए जो है खुशखबरी है यहाँ पे आप लोगों के लिए क्योंकि फाइव जी के लिए जो अब आपके लिए ऑप्शन ओके ये आपको भी समझाना बहुत जरूरी है स्कैम भी आपको समझाना जरूरी है यहां पर क्योंकि ये सब आपके ब्रॉडर के के लिए समझ के लिए समझ जरूरी है है ठीक तो बच्चों कांग्रेस सरकार पर गिरी थी तो आपको पता है टू जी स्कैम हुआ था देश के अंदर बहुत बड़ा स्कैम माना गया था जिसको अरबों रुपए का जिसमें सरकार को नुकसान हो गया था टू जी स्कैम ठीक है जिसे स्पेक्ट्रम अलोकेशन स्कैम भी कहते हैं बच्चों क्या होता है ये स्पेक्ट्रम और ये क्या स्कैम था और

आपका जो सेलफोन है या जो सिम कार्ड है या मोबाइल है या इंटरनेट है वो काम करता है इस टावर के ये टावर लगा हुआ है इस पर कई सारी मशीनें लगी हुई हैं ठीक है ओके इस टावर के भरोसे जो है आपका इंटरनेट काम करता है इस टावर की रेंज होती है ओके इसे हम कहते हैं सेल जैसे मेरा कमरा मोरू पूरे कैद खाने की तरह लगता है मुझे सेल लगता है ऐसे बच्चों ये सेल होता है इसलिए आपको सेल फोन कहते हैं इस सेल में जितने भी इंटरनेट के डिवाइसेज हैं जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं एयरटेल कंपनी के जैसे ये ओके ये हैं ये सब इससे कनेक्टेड है ठीक है ये इस सब इससे कनेक्टेड है ऑल राइट इस टावर से कनेक्टेड ये बच्चों टावर अंदर से नीचे से तारों के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बिछा हुआ है उससे कनेक्टेड है और ऐसे अपन जो है यूज कर पाते हैं इंटरनेट को ठीक है बात यहां पर यह है समझने की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से काम करता है सेल इंटरनेट जो सेलर बेस्ड इंटरनेट होता है इस टावर के बेस पे इस इंसान जो बच्चों यहां पर यूज कर रहा है इंटरनेट को और यह जो टावर है यह बच्चों कम्युनिकेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू यानी एक फ्रीक्वेंसी होती है उसके थ्रू ठीक है उसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं अब बच्चों कोई भी ऐसे तो यार इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके अपना एक टावर बना देगा और उस फ्रीक्वेंसी को यूज करने लग जाएगा और उस फ्रीक्वेंसी को फिर कोई और यूज नहीं कर सकता ओके तो बच्चों एक नेचुरल धरोहर है ये रिसोर्स है ये इसको सरकार बोलती है पब्लिक प्रॉपर्टी है ये स्पेक्ट्रम है तो सरकार क्या करती है ऐसा बोल देती है कि भाई 200 से लेके 400 सौ मेगा हर्ड्स या जो भी वो टर्म यूज करना चाहे ये एयरटेल इस पर अपना नेटवर्क चलाएगा ठीक है चलो 400 से लेके 700 तक जियो जो है उसका रहेगा तो वो उसका नेटवर्क चलेगा तो ये बच्चों चिन्हित हो गया यहां पे डिलीनेशन कर दिया सो ओनली द जियो कंपनी कैन प्रपोगेट वेव्स एट दिस स्पेक्ट्रम एंड देयर सर्विस देयर यूजर्स वेर ओनली एबल टू एक्सेस दिस 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 फ्रीक्वेंसी एंड दे विल कम्युनिकेट एट दिस फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम अलोकेशन हालांकि है कुछ भी नहीं है कुछ है भी नहीं सिर्फ ये हक है कि भाई इस रेंज पर फ्रीक्वेंसी जो है आप ही छोड़ सकते हो एयरटेली छोड़ेगा या वोडाफोन छोड़ेगा या जो भी है तो ये होता है बच्चों स्पेक्ट्रम अब सरकार ये स्पेक्ट्रम ऐसे ही नहीं देती है किसी को सरकार इसको बेचती है उसे कहते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी होती है इसकी अच्छा ये स्पेक्ट्रम किसको चाहिए जियो बोलेगा मुझे चाहिए मैं इसके है एक हजार करोड़ दूंगा ठीक है एयरटेल बोलेगा मैं डेढ़ हजार दूंगा मुझे दे दो तो जो ये स्पेक्ट्रम अलोकेशन होता है और इस तरह से सरकार के पास बहुत सारा पैसा आता है ओके स्पेक्ट्रम को अलोकेशन नीलाम करके बेच दिया जाए तो ऐसे बच्चों टू का स्पेक्ट्रम बिका थ्री जी का बिटका फोर जी का बिका अब फाइव जी का अब अब आने वाला है फाइव जी तो फाइव जी आने से पहले ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बताना पड़ेगा भाई किसका कितना है ओके okay. उस हिसाब से मशीन लगेगी जियो अपनी मशीन लगाएगा उसमें फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से सेट करेगा वो तो ये बच्चों प्रक्रिया जो है चालू हो चुकी है स्पेक्ट्रम अलोकेशन की और रही बात आपके 2G स्कैम की तो वो जो 2G स्कैम में क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं दो मिनट की बात है पता होना चाहिए एक यूपीएससी कैंडिडेट को ठीक है 2G स्कैम में गई क्या हुआ कैग ने ये जो है पोल खोली थी ओके जब वो थ्री का ऑक्शन हुआ जब 3G की नीलामी हुई जब 3G का स्पेक्ट्रम बिका तब कैग ने देखा यार सरकार के पास तो बहुत ही पैसा आ गया इसको यार मतलब पैसा सरकार के पास आ गया बेनतहा पैसा सरकार के पास आ गया 3G के जब स्पेक्ट्रम उन्होंने बेचे ठीक है सरकार कैग ने कहा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कैग ने बेचो जब पन्ने पलट देखे पीछे देखा तब उसे देखा टू का जब स्पेक्ट्रम बिका तो उसमें उसने देखा यहां पर तो सरकार के पास कुछ भी नहीं आया सरकार ने तो फ्री में बांट दिया एक तरह से टू ओके स्पेक्ट्रम को तब गई पता चला तब कैग ने बात बोली ये पब्लिक में लाया कैग इस बात को तब इस पर रिसर्च हुई तब पता चला कि कई हमारे महान नेताओं ने मिनिस्टरों ने पर्सनल तौर पे फ्री में ही जो उनकी जेबें भर ली बस और फ्री में बांट दिया पूरा स्पेक्ट्रम जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहीं कैंसिल भी करना पड़ गया जो फिर जुडिशरी को भी प्रॉब्लम हो गई कि जुडिशियरी कैसे कैंसिल कर सकती है भाई उन्होंने तो पैसे देकर लिया है अब आपने सस्ते में बेच दिया उस समय तो आपकी गलती है ना वो तो तो यहाँ पर जुडिशरी में भी, भी सवाल उठने लगे तो बच्चो ये था टू स्कैम ठीक है जिसमें नाम नहीं लेना चाहूंगा बट कई मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टी कई जो है सम, उसमें इन्वॉल्व थी तो ये होता है स्पेक्ट्रम और ऐसे अलोकेशन के द्वारा सरकार इसको जो है बेचती है ठीक है तो जो ये कुछ फायदे वन जी स्पीड, फाइव जी में स्पीड तो यू नो पर ठीक है जी फाइव जी में उम्मीद कर सकते हैं ठीक ठाक स्पीड आ जाएगी क्लासे में ले पाऊंगा कहीं पर भी हर जगह से और जो है दिक्कत मुझे जो है दो साल की कैद से जो है आजादी मिलेगी और कहीं पर भी मैं अपना मोबाइल के थ्रू इंटरनेट लेकर जो है चालू करवाऊंगा तो वही ये है आपके लिए सी जी फाइव जी का जो है दस गुना हायर है वो तो अच्छी बात है अल्ट्रा हाई कहते हैं इसको अल्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा ठीक है तो कैबिनेट ने जो जो प्रूव कर दिया है कि एयरवेव जो है ऑफरिंग फिफ्थ जनरेशन का टेलीकॉम सर्विसेज की है उसको जो है बेचा जाएगा तो इसमें जो है सबसे बड़े दो प्लेयर्स जो है हमारे भारत में वो एयरटेल और आपके जियो ही हैं ठीक है एयरटेल और जियो हैं और ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है फाइव जी ऑप्शन जो है रिजर्व कर दिया गया है रिकमेंडेड बाय द सेक्टर रेगुलेटर ठीक है सो सेवेंटी टू गीगा हर्ड से बच्चों ऊपर का जो भी स्पेक्ट्रम है इसमें बेचा जाएगा बात करी गई है और जो ट्राई ने बोला है कि भाई थोड़ा सस्ता बेचना सरकार को रिकमेंड किया है अब लेट्स सी सरकार क्या करती है क्योंकि बच्चों हमारे टेलीकॉम सेक्टर है उस पर कई आपके इशूज चल रहे हैं भाई ए है एडजस्टर्स ग्रॉस रेवेन्यू का मॉडल है और भारत में ऑलरेडी बचो वैसे भी सबसे कम डाटा पर जो रुपी जो रेट है सबसे कम है यूज़र बहुत ज़्यादा हैं और इससे एक बहुत बड़ा सरकार का भी काम हो रहा है वैसे सरकार का, का काम था डिजिटल इंडिया में कि लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना लेकिन प्राइवेट कर रही है तो ट्राई ने बोला है कि भैया इस बार थोड़ा सरकार को बोला थोड़ा कम पैसे चार्ज करना अब फोर जी नहीं कि मतलब बिल्कुल लू लो कंपनियों को क्योंकि बच्चों कंपनियों को अगर लूटेगी सरकार एयरटेल और जियो से ज्यादा पैसे लेगी तो जियो और एयरटेल हमसे इंडायरेक्टली ज्यादा पैसे लेगा डायरेक्टली हम भी प्रभाव उसका पड़ने वाला है ठीक है तो यहाँ पर फाइव का स्पेक्ट्रम जो है उसको जो है बिकने की शुरुआत हो चुकी है और गूगल ने भी बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट जताया है गूगल भी कह रहा है कि अब उसको जो है गूगल अलग ही लेवल पे सोच रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे चाहता है जो सिर्फ 5G सपोर्ट करता है कहीं जिसपे सवाल भी आ चुके हैं आपके प्रस एग्जाम में बच्चों आईओटी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है से जुड़ी ये 5G में ही, ताकत है 5G में ही ये पोटेंशियल है कि उसमें कई मिलियंस ऑफ डिवाइस जो है आप एक सेल से कनेक्ट कर सकते हो तो यहां पर गूगल भी इंटरेस्टेड है इसका फाइव का स्पेक्ट्रम लेने के अंदर तो लेट्स क्या होता है बट मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया अब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है थी, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है ऑप्शन क्या होता है ओके कैसे होता है ऑप्शन टू जी स्कैम क्या था वो सब आपको बता दिया नाउ यूर वेल लिक्यूब लेट्स सी जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा हम इसको फॉलो करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ये ठीक है 5G आपके इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टील स्लैक के बारे में बात करते हैं ठीक है ऑल right. यहां तक किसी को प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी प्लीज आस्क मी ओके गुड आफ्टरनून ज्योति सुपरकॉप स्लैग क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपको पता होनी चाहिए ठीक है स्टील आपको पता है लोहे को पिघलाकर उसमें कई चीजें डाल डाली जाती है क्रोमियम मैग्नीशियम और उससे स्टील बनता है ठीक है तो डायरेक्टली लोहे को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोहे में जो है जंग लग जाता है कुछ काम का नहीं लोहा ठीक है लोहा जब तक लोहा है जंग लग जाएगा बहुत लाइफ उसकी बहुत कम हो जाएगी कमजोर पड़ जाएगा वो वो स्टील 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 बनाना पड़ता है है पहले ठीक जब वो जो लोहे से हम स्टील बनाते हैं तो बहुत पोल्यूशन होता है इससे क्योंकि से बहुत एनर्जी हमको चाहिए होती है तो कोयला वोयला जलाकर बिजली बिजली से जो है बड़ी गर्मी पैदा करी जाती है लोहे को पिघलाया जाता है फिर उस उसमें मिलाया जाता है कई सारा सामान इस प्रक्रिया में बच्चों स्टील स्लैग बनता है जो कि एक समझ लो बाय प्रोडक्ट है वेस्ट होता है पर यह ये बाय प्रोडक्ट होता है स्टील को जब बनाने बनाते हो आप लोहे से तब ये बाय प्रोडक्ट निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो इसको क्या किया जाता था अब तक इसको बच्चों जमीन में जो है गाड़ दिया जाता था ऑयल जो है लैंड डंप लैंड डंपिंग कर देती थी, थी लैंड फिल्स में भर दिया जाता था उसको ओके लेकिन बच्चों स्टील में कई अच्छी प्रॉपर्टीज होती है इसमें कई स्टील के भी गुण होते हैं मजबूत होता है ये लेकिन इसका कोई यूज ऐसा सच नहीं है तो अब तक क्या करते थे हम इसको फेंक देते थे ऐसे ही ठीक है जो कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह होता था साथ साथ जो कि वॉज नॉट अ यू नो गुड प्रैक्टिस असलो इट इज लाइक तो नाउ रिसेंटली डन इज ओके सूरत के के अंदर गुजरात के, हमने बच्चों ऐसी रोडे बना दी है जो कि स्टील स्लैग से बनी हुई है मतलब स्टील से जो बनाते समय जो पाय प्रोटेक्ट निकलता है स्टील स्लैग तो यूनियन मिनिस्टर ने बच्चों सिक्स लेन हाईवे जो है सूरत में जो स्टील स्लैग से बना है ये इसको जो है इनोग्रेट किया ओके okay. इसमें रोड मिनिस्टर ने नहीं किया स्टील मिनिस्टर ने किया ठीक है ऐसा right. पहला रोड है ये भारत में जो कि हंड्रेड परसेंट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से बना है तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस सच वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर इन योर एनवायरमेंट आंसर तो बचो वेस्ट इन वेल्थ का कंसेप्ट यहां पर आप लिख सकते हो कि किस तरह से वेस्ट को हमने वेल्थ में कन्वर्ट किया और उससे जो है हमने रोड बना दिया है ठीक है तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो बच्चों और सी ने इसको जो है संभव कर पाए और जो है ये स्टील को उन्होंने रोड बनाने में इस्तेमाल किया है तो स्टील गाइस कई प्रक्रियाओं से बनता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस होता है जिसमें ऑक्सीजन से जो है कि हेल्प से जो है गर्म किया जाता है फर्नेस होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है एक ओके और इंडक्शन इंडक्शन से भी आप जो है हीट कर सकते हो जो फोन वोन चार्ज होते हैं आजकल बिना तार वार के इंडक्शन से हीट होता है ठीक है तो अब तक बच्चों स्लैग को सिर्फ लैंड फिलिंग में यूज किया जा रहा था बट नाउ इट विल बी टू कंस्ट्रक्ट द रोड तो गाइस इट्स अ विन विन बेसिकली द विल विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सच स्टील स्लैग बी वेरी मच ड्यूरेबल ड्यूरेबल मतलब ज्यादा टिकिंग ऐसे नहीं बारिश हुई और बह गई है क्योंकि ये रोड डामर से नहीं बनी हुई है ठीक है इससे बच्चों कॉस्ट कटिंग हुई है क्योंकि आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो मतलब एक तो बेहतर क्वालिटी और वेस्ट से भी आप जो है यूज करें तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से आप इस एग्जाम्पल को याद रखिए अपने मेन्स वगैरह के आंसर में आप लिख सकते हो उससे ठीक है और ठीक है तो अच्छी रोड बनेगी बेहतर रोड बनेगी और जो है कई सारी चीजों की जो भारत में कमी है जैसे ट्रामेक डामर जो होता है वो पेट्रोलियम से निकलता है तो वो भारत में कम है तो उसकी जो है कमी स्लैग से पूरी हो जाएगी आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग ठीक है हालांकि नॉर्मल न्यूज लग रही होगी लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बचो क्योंकि पहली बार भारत और जापान ने इस तरह का डायलॉग किया हालांकि हम बहुत डायलॉग करते हैं एनुअल हम करते हैं जापान के साथ टू प्लस टू डायलॉग करते हैं हम इस बार पहली बार भारत और जापान ने जो है आपके इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग किया ठीक है तो ये जापान है चार बचो मोट, मोटे मोटे आईलैंड हैं जो मुख्यतः जापान को बनाते हैं ओके कोयाशियो सिंकोकू ओके आपका शू और होकाईड हुका, ये चार जो आइलैंड है इनको मिलकर जो है इनसे मिलकर जापान देश बना है ये कुरियल आइलैंड है यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड है न्यूज में थे सो लग रहा था मुझे सवाल आ जाएगा इस बार प्रम्स में बट नहीं आया कोई नहीं क्योंकि न्यूज में काफी ज्यादा था मैंने आपको पढ़ाया भी था इसी क्लास में प्रलम्स दो हजार के लिए याद रखिए कुरियल आइलैंड है यहाँ पर डिस्प्यूटेड है ओके नीचे का आ गया इस बार बड़े लोग ये रहे थे आ गया इधर का सिंकाकू आइलैंड सिनकाकू आइलैंड आ गया था ना इस बार्स दो हजार अभी जो पांच जून को हुआ है वो यहां पर है वो चाइना और जापान में मतभेद है उस पर ओके कुरिल आइलैंड का था संभावना आने की बट दे डिड नॉट आस्क बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यू नो कंट्रीज दे अबाउट द देउटाकू आइलैंड ओके विच इज अ वेरी ओल्ड इशू इट वॉज नॉट इन द न्यूज रिसेंटली जब यूपीएससी तब पूछती सवाल जब सब भूल जाते हैं जो पढ़ रहे होते हैं ना जब जब वो न्यूज में रहता है तब तो नहीं पूछती है यूपीएससी को तो पता है सब बता देंगे वो तो अब कुर आइलैंड का रहा है तो अब नहीं पूछा साल अब एक दो साल बाद पूछेगी ठीक है थीके? तो रिमेंबर दिस थिंग वॉट इज स्पेशल अबाउट दिस सुमेट सच काइंड ऑफ वेयर द यू नो फाइनेंस बिटवीन द टू कंट्रीज जापान इज आर वेरी गुड फ्रेंड वी ऑल नो वी रिसीव अ लॉट ऑफ ओडीए फ्रॉम जापान दैट इज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस बहुत सारा जापान से आता है जापान हमारे कई भारत में प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस uh, कर रहा है टेक्नोलॉजी दे रहा है पैसा दे रहा है जैसे कि दि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो अहमदाबाद से आपके मुंबई में बन रहा है दिस इज द फर्स्ट सच काइंड ऑफ अ अट डायलॉग विच इज बेस्ड ऑन द फाइनेंस इन ओके बिटवीन जापान एंड इंडिया ठीक है तो बोथ द नेशन वर्क ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ओके जैसे दुनिया में जो है अर्थव्यवस्था भी आपको पता ही है जो है हाल जो है बेहाल हो रखा है स्टॉक मार्केट्स वगैरह हर जो चीजें हिले पड़े हुए हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात करेगा ये

वो जापान से आए और उन्होंने पार्ट लिया इसके अंदर ठीक है अब बच्चों यहां पर एक और दो बात एक लास्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है ठीक है जी और जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी पर सवाल आ ही गया था पिछले से पिछले 2020 में अगले साल बच्चों जी की लीडरशिप आने वाली है भारत के पास में ठीक है जी का लीडर रहेंगे हम लोग तो जी से सब कुछ जो भी न्यूज में है सब चार्ट जाना सब कुछ पढ़ लेना डोंट लीव विद एनीथिंग पहले कौन था लीडर अब कौन है चेयरमैन आगे क्या है क्या सब पढ़ा ना इंपॉर्टेंट है जी ट्वेंटी क्योंकि भारत इसका जो है चेयरमैन बनने वाला है जी सेवन का जो चेयरमैन है वो जापान बनने वाला है तो बच्चों यहां पर इसमें ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इन दोनों अब ये लीड करेंगे एक तरह से दुनिया को लीड करेंगे बच्चों अब ये दो देश जापान जो है जी सेवन में सारे अमीर कंट्री आपको पता है आई एम एफ के हिसाब से जो टॉप इकोनॉमीज है सेवन वोस में है और जी ट्वेंटी में तो सारे मोस्टली एट्टी परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन और जी डी पी और जी ट्वेंटी में तो दोनों के लीडर्स जो हैं जापान करेगा एक को लीड एक को जो है इंडिया करेगा लीड तो यहां पर भी कॉन्सेंसिस साथ में मिलकर काम करने की जो है बात करी दोनों देशों ने इस ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन पुट अप इन योर आंसर्स जी ट्वेंटी जी सेवन को जी ट्वेंटी को खासतौर पर थोड़ा रखें ध्यान में आप ठीक है समझ गए आगे बढ़ते हैं ओके शासक के बारे में बच्चों आपको बताना चाहता हूं मैं पहले भी कई बार बताना चाहता था बट कभी मौका मिला नहीं ओके बट अब मुझे दिख गया था न्यूज में ये तो मैंने कहा पढ़ाई दो उसको इस बार ठीक है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है पता नहीं क्यों पता है कम लोगों को यूपीएससी के लिए टाइम बॉम्ब है ये टाइम बॉम्ब है कभी भी फट सकता है प्रलिम्स में फटेगा और ये मेन्स में नहीं। में आपसे यूपीएससी पूछेगी शासक के बारे में साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कारपोरेशन क्या है ये ओके अभी तक गई किसी को यहां तक प्रॉब्लम तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर क्वेश्चन प्लीज हिंदी में भी डिफाइन कर दिया क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं अभी यार सर आई है डाउट प्लीज डाउट रोहित ठाकुर गुड इवनिंग सृष्टि सृष्टि आप शिकायत कर रहे थे मेरी कि मैंने पढ़ाया।, पढ़ाया नहीं पूरा क्या नहीं पढ़ाया बताओ मेरे को एनी प्रॉब्लम हियर प्लीज आस्क प्लीज आस्क ऑल राइट शासक के बारे में आपको बताते हैं फिर ठीक है तो जो शासक एक रीजनल बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें छह देश हैं ये और इसमें छह में से ऑब्वियसली हमारा भारत महान तो है ही ठीक है बांग्लादेश है आपका भूटान आपका यू नो मालदीव श्रीलंका नेपाल और इंडिया ये छह देश हैं इसमें शासक को बच्चों एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर जो आपके मनीला के अंदर है फिलीपींस के अंदर है सासेक को उसने बनाया था एडीबी ने ठीक है तो एडीबी फॉर्म द सासेक ऑल राइट right? तो ये वाइस ये एक बच्चों एक एक रीजनल कॉपरेशन था ओके okay, 2001 में बनाया गया था और सवाल जो है इसमें कभी भी आ सकता है तो बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल श्रीलंका है ठीक है बच्चों रीजनल प्रोस्पैरिटी by improving cross border connectivity boosting trade among the member countries and strengthening their regional economic cooperation yani ki antar antar rashtriya vyapar in deshon ke andar aapsi vyapar ko connectivity ko trade ko theek hai economic economy ko jo hai sari ke sare desh एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम करें और जो है अपनी economy को बेहतर करें इसलिए जो है South Asia sub-regional economic cooperation का जो है गठन किया गया था

बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर बचो ये इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट है जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में रोड के रास्ते लैंड के रास्ते ठीक है इन तीन जगहों के यहां पर तीन जो चेक यहां फिफ्टी परसेंट जो है अनुमान लगाया गया है कि ट्रेड बढ़ जाएगा दो तक ठीक है इसके लिए जो है अभी लोन भी दिया है एडीबी ने कि ये जो इंटर कनेक्टिविटी है बढ़ाई जाए बांग्लादेश और इंडिया के अंदर ठीक है सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है आपको पता है साउथ एशिया में ये भी सवाल आ चुका है प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर कौन है साउथ एशिया में सार्क में आपका बांग्लादेश के साथ व्यापार करते हैं और बच्चों इन इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स को सोना मस्जिद तामाबिल और अकोरा की जो ये जो जगह हैं इनको डेवलप कर कर हम जो सासेक का ऑब्जेक्टिव था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय इंटर जो है क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है वो बढ़े वो बढ़ेगा इससे तो इसके लिए जो है एडीबी ने पैसा भी दिया है कनेक्टिविटी की भी बात करता है बच्चों शासक जो है शासक देशों में जो है कनेक्टिविटी की बात करता है जिसके ऑलरेडी हम बी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ठीक है आईएमटी बना रहे हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड चलो वो अलग हो गया थोड़ा बट वो भी कनेक्टिविटी की बात करता है समझ गए आप शासक को जो भूलना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने ऐसे आपको कई चीज़ें बताई थी पिछले साल और वो कई चीजें डायरेक्टली या इंडायरेक्टली प्रॉब्लम आ गई ठीक है अजरबैजान का क्वेश्चन था आपके कई सारी चीजें इस क्लास से मैंने आपको कई सारी बताई थी सिक्योर आपको कई सारी चीजें बताई थी ओके वो एग्जाम में आ गई तो जो मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो तो है ही वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और तो कभी भी पूछा जा सकता है ओके हर साल, हर एक चार साल बाद भी दोगे तो भी इसकी संभावना उतनी रहेगी और अगले साल भी इसकी संभावना उतनी है शासक पे सवाल आने की ठीक है टी सेल्स भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था ओके सिक्योर प्रॉब्लम से मैंने आपको बताया था टी सेल्स के बारे में जो मैं अकेडमी की के ऊपर एमसीक्यूज आपको कराता ओके मैंने टी सेल कई कई बार बार सवाल लिया था एक नहीं ओके okay? सेल्स क्या होते हैं और यहां पर एक करिश्मा कर दिखाया डॉक्टर्स ने इन्होंने जो है आपके लिए टी सेल्स के द्वारा ठीक है कैंसर के चौदह मरीजों को ठीक कर दिया कीमोथेरेपी के बिना रेडियोथेरेपी के ओके okay? हाँ बिना जो कीमोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी जो रेडिएशन से सही करते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ा जाता है और या सर्जरी होती है फिर कैंसर में तो ओके कैंसर कैंसर होता क्या है बेसिकली बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की तो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो जो लाइफ जिससे लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो सेल बच्चों अनकंडीशन अन यू नो you know, कंट्रोल एवल वे में जो है ग्रो कर जाते हैं तो गांठ हो जाती है किसी हिस्से में बॉडी में कहीं जो है उस ट्यूमर के फॉर्म में वो जो है बाहर आने लग जाती है और उससे बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया भी होती है ठीक है तो ये बेसिकली कैंसर होता है ये कहीं पर भी हो सकता है ये किसी भी व्यक्ति के किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है ये ओके अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है बेसिकली ओके सेल्स की ठीक है तो जो टी सेल्स इस बार प्रम्स में था हमारे 2000 जो भी हुआ 5 जून को टी सेल्स बच्चों आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में जो है तीन चीजें होती है इंसान के रेड ब्लड सेल ठीक है जिससे खून को लाल रंग मिलता है जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं ठीक है आपके प्लेटलेट्स ठीक है प्लेटलेट्स के बहुत काम होते हैं जो एक काम प्लेटलेट्स का ही होता है कि जब कभी कटवट लग जाता है तो थोड़े समय बाद वहां पर जो है खून जो है रुक जाता है बहना क्योंकि प्लेटलेट्स उसको खून को जमा देते हैं सील कर देते हैं वो ठीक है वन टू थ्री तीसरा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड में जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स ये व्हाइट ब्लड सेल्स बच्चों हमको बचाते हैं किसी भी बीमारी से चाहे वो कोरोना वायरस हो चाहे वो नॉर्मल खांसी जुखाम हो चाहे वो नॉर्मल फीवर हो कुछ भी हो चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमको बचाते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं और वाइट ब्लड सेल का बच्चों सबसे एक जरूरी भाग है टी सेल टी सेल का खास तौर पर काम होता है ये इम्यून सिस्टम से जुड़ा रहता है प्रतिरक्षा प्रणाली जो है आपके शरीर की कि ये इट विल डिटेक्ट द फॉरेन पार्टिकल्स जो कि जो हानिकारक जो पैथोजेंस आपकी बॉडी में घुस गए हैं जो नहीं होने चाहिए ओके okay, उनको ये ढूंढता है और शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसकी मदद के द्वारा किकआउट कर देता है उनको बाहर कर देता है और हमें यू you नो know,

यहाँ पर कैंसर को उन्होंने बिना किसी ऑपरेशन बिना इम्यूनोथेरेपी बिना आपके कीमोथेरेपी बिना आपके रेडियोथेरेपी सॉरी इम्यूनोथेरेपी से सही करा है इम्यून सिस्टम से ही बॉडी को ही बॉडी से सही कर दिया उन्होंने सिर्फ ऐसा कुछ किया कि टी सेल जो है एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ही कैंसर के सेल्स को खत्म कर दिया जो पी डी वन जो ब्लॉकेट्स थे ओके इन पे काम करते हुए उन्होंने जो है टी सेल को पावरफुल बना दिया ताकि वो जो है खुद ही डेथ आपके कैंसर सेल्स को खत्म कर दें ठीक है जो वो सेल जो अपना जिनमें एक्सेलरेटर जिनका फुल पे हो चुका है और वो उनका जो एक्सेलरेटर का तार है वो भी टूट चुका है अब ठीक है जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ में हो रहे हैं तो टी सेल ने खत्म कर दिया तो बहुत सही मेरे हिसाब से एक ओके आपके लिए एक अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बचो कॉल्ड डोस्टारा लिम्बा ओके ओके लिमाब दोस्तरा लिमाब जो है नाम की एंटीबॉडी जो है इन डॉक्टर्स ने छः महीने तक इन लोगों को दी ओके ओके और ऑर्गाइज इनको जो है कैंसर से ठीक कर दिया ओके रेक्टल कैंसर था इन लोगों को इसमें इन्होंने कोई भी कीमोथेरेपी यूज नहीं करी रेडियोथेरेपी यूज नहीं करी कोई सर्जरी नहीं करी सिर्फ दवाई दे देकर नॉर्मल उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा बढ़ाकर टी सेल्स को बेटर कर कर टी सेल्स को स्ट्रेंथन कर कर टी सेल्स को करेक्ट कर कर खुद ही बॉडी की इम्यूनिटी से जो है मार दिया बीमारी को जैसे कि कोरोना वैक्सीन से भी होता है कि हमारी बॉडी को जो है वो एक्टिवेट कर देती है इम्यूनिटी जो है ट्रिगर कर देती है उसको तो उसी तरह से इन्होंने भी यूएसए के हो सकता है इनको अगले 20 साल जो है नोबेल प्राइज मिल जाए वो बात अलग है लेट्स सी व्हाट हैपेंस तो ये बच्चों पहले भी टी सेल के ऊपर जिन्होंने डिस्कवरी करी थी जिन साइंटिस्ट ने उनको नोबेल प्राइज ऑलरेडी मिल चुका है ठीक है तो ये भी एक सवाल आ सकता है टी सेल पे कभी नोबेल प्राइज मिला है तो यस ठीक है टी डिस्कवरी जो जो थी इसकी, रोल इनका जो किया था उनको ऑब्वियसली तो वेरी इंपॉर्टेंट्स में भी यूपीएससी ने आपसे पूछा है समझ गए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए ऑल अरे शिकायत मतलब कमेंट में आप कुछ लिख रहे थे ना शुरू में हो सकता कोई और हो वो। तो है अंतर नहीं किया जाएगा प्लस में कोई अंतर है आइकॉनिक में अंतर है सर फ्री में पढ़ा रहे हो तो नहीं ये बच्चों मैं कभी नहीं करता मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते चाइन अकेडमी को दस करोड़ रुपए भी दे या कोई भी मुझे ऐसा अन काम करने को बोले या तो भी मैं अपना वादा जो है किया बच्चों से वो पूरा करूंगा ठीक है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है ओके नहीं है तो नहीं है नहीं पढ़ाते कई चीज पढ़ा सकते नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते ठीक है तो बोलते भी नहीं है आपको चाहे फिजिकल ज्योग्रफी हो चाहे जियोमोफोलॉजी हो चाहे इंडियन ज्योग्रफी हो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई है और सारी चीजें कवर कराइए आप बता दो कोई भी एक कोई भी एक इनिशिएटिव मैंने आपको अधूरा छुड़वाया हो और पढ़ाया तो पढ़ाया आपको पीडीएफ भी दी है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्ट्रक्चर्ड तरीके से राइट टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लीजिएगा नहीं पढ़ाया क्यों नहीं पढ़ाया क्योंकि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते एजुकेटर की गलती नहीं है बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते मेन्स के लिए क्या पढ़ा एजुकेटर बच्चे आते ही नहीं है क्लास में वर द एजुकेटर विल डू द सीरियस एस्पिरेंट्स आर वेरी लेस ओनली आउट ऑफ हंड्रेड टू थ्री एस्पिरेंट्स आर सीरियस दे ओनली थिंक अबाउट हो रहा है सारे काम हर तरह से ठीक है तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा आप लोग चाहोगे ही नहीं तो आपको फिर वो नहीं मिलेगा लेकिन चाहत में आपकी फर्क वो ये है कि आपको पता नहीं है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है सी साइड बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए सी साइड में मैं देखता हूँ भरे बड़े, बड़े बच्चे दो सौ तीन सौ अरे भाई उसमें यार पच्चीस सवाल कर रहे हैं और आगे बढ़ो उसके ना वैसे भी क्वालिफाइंग में भी वो क्वालिफाइंग एग्जाम है मतलब प्रीलिम्स की भी कट ऑफ उस पर डिसाइड नहीं होती है ओके तो, तो यूट्यूब पे सी सेट पढ़ा लो वैसा कुछ पढ़ा लो बहुत लोग आते हैं मेन्नस का कुछ पढ़ा लो ऑप्शनल पढ़ा लो कोई भी नहीं आता है ठीक है तो ये गई कारण है कि मेन्स का कोई आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा है और आपको मेन्स का थोड़ा बहुत पढ़ना है तो मैंने क्लासे ली है अभी पिछले हफ्ते पूरे सात दिन ऐसे की जी एस पेपर वन की टू की थ्री की सिलेबस समझाया है नोट समझा है अन अकेडमी यू पे वो चैनल पे वो क्लासेस अवेलेबल है आप लोग देखिए और आपको देखनी चाहिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो अगर आप सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि कैसा होता है यूपीएससी का एग्जाम वगैरह तो बात अलग है बट अगर आप ठान चुके हो कि आपको जो है एग्जाम क्रैक करना है तो पहले तो आपको सब्सक्रिप्शन लेके वहां पढ़ना चाहिए और नहीं वहां जाना तो कम से कम वो मेन सी क्लास आप देखिए एक बार समझिए एग्जाम है क्या पूरा का पूरा पूरी पिक्चर एक बार देखिए ठीक है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पे हम जो है पढ़ते हैं क्या है ये ऑल थैंक यू सृष्टि थैंक यू ओके ऑल राइट आगे बढ़ते हैं बच्चों अभी गुजरात के कुछ जो है एमएलए गुजरात के बच्चों एमएलए अभी कुछ गए कहां गए यूपी ठीक है गुजरात के एमएलए गए यूपी एमएलए बच्चों यूपी गए गुजरात के कुछ सीखने के लिए अच्छा यार यूपी से क्या सीखेंगे गुजरात के एमएलए वैसे वो जो यूपी का नाम आती है हमारे दिमाग में यार ऐसे थोड़ा ये आता है कि क्राइम है ये है बैकवर्डनेस है कास्टिज्म बहुत ज्यादा है कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा है ओके तो बच्चों सारी बुरी चीज़ों के लिए यूपी को मत याद करा करो बच्चो यूपी यार हमारी सभ्यता का वो है जो हार्ट जो यू नो मिडवे होता है ना जो हमारी जो सभ्यता है जो ना वो सब यूपी और ये जो लैंड एरियाज थे इंटीरियर्स थे यहाँ पे ही पनपी है ओके और हर धर्म के हिसाब से मेरे हिंदू हो चाहे मुस्लिम जो सबके लिए यूपी जो है इंपॉर्टेंट एक स्टेट है तो जो यूपी की जो विधानसभा है वो हो गई है पेपरलेस ठीक है यूपी की विधानसभा में अगर आपने कभी टीवी देखा होगा यो, योगी जी को आपने बोलते हुए देखा होगा और किसी भी को आपने अगर एमएलए को बोलते हुए देखा होगा यूपी के अंदर विधानसभा का कोई फुटेज कोई क्लिप आपने देखी होगी तो उनकी टेबल पे कोई भी पेपर नहीं होता उनकी सबकी टेबल पे एक स्क्रीन लगी हुई है अगर नहीं दिखी तो गोल कर सकते हो यूपी की विधानसभा जो तो बड़ी विधानसभा है बीस करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं इतनी बड़ी विधानसभा यूपी की ओके और वहां पर पेपर एक पेपर एक इस्तेमाल नहीं हो रहा यूपी में जो भी कानून बन रहे हैं एक्ट बन रहे हैं आपको पता है बिल आता है पहले विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो बिल पास होता है बिल एक्ट बनता है उसे बचो यूपी एक पेपर भी वेस्ट नहीं कर रहा है सब कुछ डिजिटली हो रहा है सब कुछ डिजिटली हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन उनके स्क्रीन पे दिखता है सब देख सकते हैं वो कोई भी लैंग्वेज में और घर से भी देख सकते हैं अपने विधानसभा में तो देख ही सकते हैं बिना पेपर के स्क्रीन पे और घर से भी देख सकते हैं और बच्चों आप भी देख सकते हो कि यूपी की विधानसभा में कौन सा बिल अभी चल रहा है उस बिल में क्या क्या बातें लिखी हुई है वो बिल कब आया था कब वो पास होगा कब है उस पर क्या बहस चल रही है सब कुछ ये है गाई आपके नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सिस्टम और यही सिस्टम को समझने के लिए देखने के लिए गुजरात के जो डेवलप्ड सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री वहां से एमएलए जा रहे हैं यूपी में वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री सीखने के लिए यूपी वो जो सिखाएगा गुजरात को और बाकी देश को भी और कई देशों कई स्टेट्स में भी ये सिस्टम ऑलरेडी यू नो अप्लीकेबल हो हो चुका है ठीक है इसके फायदे बचो पर्यावरण के लिए तो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट इज वेरी ऑब्वियस विल गेट रिड्यूस्ड ओके फालतू में वो जो मोस्टली एम पी वो देखते भी नहीं है एक एक बिल जो होता है उनके चार चार सौ पांच पांच सौ पेज कॉपी होती है इतने पेज होते हैं और वो मोस्टली एमएलए नाइनटी पेट खोल कर भी देते तो सब रद्दी के भाव जाता है वो तो बहुत ज्यादा जो है पेपर बचेगा सबसे पहले आपको ये लग रहा होगा इससे बचो डिजिटलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि सिर्फ वो सांसद ही नहीं सिर्फ जो है एमएलए नहीं आप और मैं भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो ये है आपके नेशनल ई विधान सिस्टम ठीक है तो ये एमएलए जो है गए हैं गुजरात के यूपी से सीख करेंगे फिर अपने वहां पे भी लगाने का सोच रहे हैं ये तो वो जो मोदी जी ने बहुत पहले ही बोल दिया था 2021 में ये आइडिया मेंशन किया था वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म ठीक है वन नेशन वन लेटफॉर्म जैसे पुलिस के लिए बन रहा है, CCTVNS, System, आप पुलिस जो है क्या वो सीसीटीएनएस सिस्टम पे ऑटोमेटिकली चला जाता है अब आपने सिद्धू का वो केस देखा होगा सिद्धू को जो मारने वाले कोई कहा से पकड़ रहे हैं कोई हरियाणा में कोई पंजाब में कोई राजस्थान से है कोई मैंने सुना पुणे में भी पकड़े गए हैं तो जो इन नेशनलाइजेशन हो रहा है अब क्रिमिनल criminal, क्रिमिनल्स जो है क्रिमिनलाइजेशन का नेशनलाइजेशन हो रहा है तो अब पुलिस को भी जो है नेशनल लेवल पे काम करना है तो उसके लिए CCTV ने सिस्टम लेके आइए पुलिस बहुत समय लगा इसको लाने में ठीक है बताएंगे कभी आपको इसके बारे में क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम इसमें सब कुछ ऑनलाइन रहता है तो कोई सा भी पुलिस का स्टेशन है उसको खबर निकाल सकता है मोस्ट वॉन्टेड चाहे वो किसी भी देश में मोस्ट वॉन्टेड हो पता लगता रहता है ठीक है तो भाई जो ऐसे ही एक वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म होगा वॉट दिस नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए ठीक है और ये वन नेशन वन लेजिस्लेटिव लेटफॉर्म जो है आपका ये जो है आपका लिए सारा का सारा जो है बिल बिल वगैरह कोई 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 सी सी भी विधानसभा में क्या बिल चल रहा है कोई सी, जो पार्लियामेंट है लोकसभा में कौन सा बिल लाया गया है सब इससे देख सकते हो आप ही नहीं सारे एमपी एमएलए भी इससे ही देखेंगे ठीक है तो मोदी जी ने दो में बात किया था और नागालैंड ये प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया है नागालैंड बच्चों पहला स्टेट बना भारत का विच एक्चुअली इंप्लीमेंटेड द नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट इन मार्च 2022 नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सिस्टम फॉर द डिजिटलाइजिंग द बॉडीज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट इन द पार्लियामेंट थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म मतलब एक ही प्लेटफॉर्म होगा एक ही एप्लीकेशन टाइप होगा उस पर ही सारा काम होगा इससे एक नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा एक जो है एक भारत एक देश के तौर पर यूनिफाइड होगा तो भारत एक देश के तौर पे भी और जोड़ेगा अच्छे से जीएसटी जैसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स ऐसी वजह वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा स्कोप है पूछे जाने का फिल्म में भी टू यूज दिस थिंग इन योर जीएस पेपर टू आंसर्स ओके बहुत इन योर एस इन योर यू नो सेविंग ऑफ द पेपर एनवायरमेंट बहुत अच्छा स्कोप है सो डू रिमर दिस नेशनल सिस्टम एनी प्रॉब्लम डिल हेयर प्लीज आस्क मी ठीक है पार्लियामेंट्री ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स क्या पूछ सवाल तो सही से पूछो ठीक है जी थर्टी थ्री बचो लास्ट संडे को मैंने आपको बताया था कि बच्चों मीटिंग हो रही है ठीक है ट्वेल्थ मीटिंग हो रही है डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ओके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ओके ट्वेल्थ मीटिंग हो रही है डब्ल्यूटीओ की ओके चार साल बाद हुई है डब्ल्यू okay. टी बच्चो जितने भी इंपॉर्टेंट निर्णय होते हैं वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं ठीक है जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हर दो साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है मैंने वो लास्ट क्लास में बताया था लास्ट संडे को इस बार लेकिन ये चार साल बाद हो रही है क्यों हो रही है चार साल बाद ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड नो बडी कैन गो शो इट कुड नॉट हैपन सो बचो बिकॉज ऑफ द सम रीजन कजाकिस्तान नॉट ज नॉट होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस एंडस्ट द कॉन्फ्रेंस इज बिंग होस्टेड इन स्विट्जरलैंड को होस्टेड बाय कजाकिस्तान ठीक है तो स्विट जिनेवा के अंदर जो है वो आपके लिए जो है होल्ड हो रही है ये कॉन्फ्रेंस दैट इज द जी थर्ट आपके डब्ल्यू टी ओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ठीक है डब्ल्यू टी ओ में बचो कई मुद्दे ऐसे हैं उन पर कभी और बात करेंगे ओके okay. कई मुद्दे वो जो डब्ल्यूटीओ में 20 साल 30 साल 20 साल से अटके हुए हैं ठीक है 20 साल से कई मुद्दे अटके हुए हैं डब्लू का जिन पे सोलूशन आज तक कोई निकाल नहीं पाया है क्यों नहीं क्यों नहीं अट हो पाए मुद्दे सॉल्व ओके okay. हर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर वो ये कुछ नहीं बात हो पाती है इस पर कुछ डिसीजन नहीं आ पाता है और ये मुद्दा जो है फिर आगे खिंच जाता है दो साल के लिए इसलिए इस नहीं हो पा रहे हैं मुद्दे तय है, क्योंकि इसमें ग्रुपिज्म हो गया एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज है वर्ल्ड के और एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज है ठीक है व्यापार बच्चों दोनों ब्लॉक्स जो हैं करना चाहते हैं व्यापार सब व्यापार करना चाहते हैं पैसा आ रहा है भाई क्यों नहीं करेंगे ओके तो व्यापार सब करना चाहते हैं यहां पर बट व्यापार सब करना चाहते हैं बट अपने अपने कंडीशन और टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके आप कोई पॉलिसी लेते हो कोई भी स्कीम लेते हो कोई भी इवन को, सब्सक्रिप्शन भी लेते हो हर कुछ भी लेते हो आप तो सब पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है टर्म्स एंड कंडीशन है भैया ठीक है आप पैसे दे रहे हो बट तो ऐसा नहीं आपने हमें खरीद ही लिया तो टर्म्स एंड कंडीशन सब चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहते हैं और डेवलपिंग कंट्री अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहते हैं ये यहां पर मोटी मोटी तौर पर ये जो है इशू है अब इस इशू की वजह से कई इशू और बन गए हैं जिसमें एक इशू सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो बच्चों एग्रीकल्चरल सब्सिडी का है ओके पब्लिक स्टॉक पाइलिंग का है पब्लिक स्टॉक पाइलिंग जो होती है एमएसपी पे जो है सरकार गेहूं और चावल खरीदती है मतलब बच्चों दस रुपए का गेहूं चावल है बाजार में कीमत सरकार पंद्रह रुपए में खरीद रही है क्यों क्योंकि एमएसपी बुआई का जो समय होता है सोइंग सीजन जो होता है उससे पहले डिक्लेयर हो जाती है उस पर सरकार का ऑब्लिगेशन है कि खरीदनी ही पड़ेगी ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ओके बच्चों मना करता है कि ये आप गलत कर रहे हो आप ये एमएसपी देकर सब्सिडी देकर ये यूरिया बिजली पानी किसानों को फ्री देकर या कोई भी स्कीम में सब्सिडी देकर किसी भी प्रोडक्शन को चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो चाहे वो कोई मैनुफेक्चर प्रोड्यूस हो उसको आप सब्सिडी मत दो ये ट्रेड को डिस्ट्रॉट करता है ओके बात सही भी है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत लग रही होगी बात कह रहे सर ऐसा क्यों हमारा देश है हमें जो सब्सिडी देरी हम दे तो दे। है। अब मैं आपको चाइना की तरफ चाइना की तरफ से बताता हूं तो आपको बड़ा सही लगेगी बात ये ठीक है, है। बच्चों एक पेन है दस रुपए का ठीक है चाइना की सरकार बोल रही है इस, ये इसको चाइना की सबसे बड़ी पेन बनाने वाली कंपनी है ओके वो बनाती है दस रुपए का पेन है ये चाइना की सरकार बोल रही है कि दस रुपये का पेन है इसको नौ रुपये में दूंगी यानी कि कितनी कॉस्ट हो गई पेन की एक रुपया चाइना की सरकार बोलेगी इस पेन को दुनिया भर में बेचो दुनिया भर में ये पेन बिकेगा ये पेन है दस रुपये का बट बिक कितने पर है दुनिया में एक रुपये में ठीक है सारी दुनिया में पेन बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी सिर्फ एक ही कंपनी बचेगी पेन बनाने वाली वो चाइना की एक कंपनी क्योंकि बाकी कंपनियां फिर क्या करेंगी बाकी कंपनियां तो बना ही नहीं सकती कैसे भी हद से ये तो कॉस्ट से भी जो है आपके कम हो कर दी प्राइस तो बचो ये क्या है ट्रेड डिस्ट्रॉशन हो रहा है इसे ट्रेड प्रैक्टिस तो है।, है, है और ये सही भी नहीं है ठीक है ऑल राइट right. लेकिन बच्चों यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि नहीं भाई हम तो देंगे हमें एमएसपी पे जरूरत है क्योंकि हमें वही एमएसपी से जो हम गेहूं चावल खरीदते हैं उसको हम पीडीएस सिस्टम से राशन की दुकान से उसी गेहूं चावल को हम सस्ते में बेच देते हैं देते हैं हमारे लोगों को वरना हमारे लोग भूखे मर जाएंगे ओके तुम्हारे ट्रेड डिस्ट्रॉक्शन को बचाने के चक्कर में हमारे लोगों को भूखे थोड़ी मार सकते हैं हम ठीक है ठीक है डब्ल्यू ने कहा यह बात भी चलो ठीक है तो बच्चों इस पर एक लिमिट लगा दी कि ठीक है सब्सिडी तुम दे लो पर सिर्फ दस परसेंट ही तुम दे सकते हो जीडीपी जो है तुम्हारा कौन सा जीडीपी एग्रीकल्चरल जीडीपी यानी कि मान लीजिए भारत में एक हजार ओके, करोड़ का एग्रीकल्चर उत्पाद उप, पैदा हुआ है जीडीपी है वन थाउजेंड करोड़ रुपीस ओनली इंडिया कैन गिव अपटिल हंड्रेड करोड़ तक हम सब्सिडी दे सकते हैं सरकार अगर बच्चों हंड्रेड करोड़ से ज्यादा हमने खर्चा कर दिया सरकार ने एग्रीकल्चर पे एमएसपी से गेहूं लिया चावल लिया दाल खरीद ली तो डी मिनिमस लेवल इसे कहते हैं डी मिनिमस लेवल हम तोड़ देंगे और डब्ल्यूटीओक्स का हम गुनेगार हो जाएंगे तो वो जो डी मिनिमस लेवल जो है ओके वो अलग अलग है डी मिनिमस लेवल जो डेवलप्ड कंट्रियों के लिए वो पांच परसेंट है डेवलप कंट्री बोलेंगे फिर हम भी देंगे सब्सिडी हम क्यों नहीं दें हम भी देंगे जो डेवलपिंग दे रहे हैं तो ठीक है डेवलपिंग के लिए पांच परसेंट है और हमारे लिए डेवलप डेवलपिंग के लिए दस परसेंट है और डेवलप्ड के लिए पांच परसेंट है पांच परसेंट तक दे सकते हैं हम जो है दस परसेंट तक दे सकते हैं लेकिन दस परसेंट में भी हमारा पेट नहीं भर रहा हाल ही में अगर अगर आपको ध्यान आप पेपर पढ़ते हो न्यूज अच्छे से तो आपने इंडिया ने डब्लू टीओ को बोला है कि हमारे से इस साल राइस जो है चावल हमने ज्यादा खरीद लिया है सरकार ने प्रोक्योरमेंट ज्यादा कर लिया है तो डी मिनिमस लेवल भैया हमने ब्रीच कर दिया है पहले ही बता रहे हैं हम आपको अब आद में कहीं बोलो आप ओके तो ये परसिस्टेंट इशू है इसके लिए एक ग्रुप बनाया बच्चो जी थर्टी थ्री इसकी अगुवाई करता है इंडिया इज द लीडर एयर एंड चाइना ऑल्सो चाइना यहां वैसे हमारे पास बहुत कम मुद्दों पर हमारे साथ है बट यहां बच्चों चाइना जो है हमारे साथ खड़ा है जी थर्टी थ्री के अंदर जो कहते हैं कि हम सब्सिडी देंगे क्योंकि हमको हमारे देश में पॉपुलेशन की जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी सुनिश्चित करना है उसको भी सिक्योर करना है समझ गए ये जी थर्टी थ्री का मुद्दा बच्चों दोबारा उठा ओके तो इसको भी पीस क्लॉस में टांगा गया है ओके डेवलप्ड कंट्री तो कह रहे हैं नहीं आप मत दो खत्म करो ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहते हैं इसको ये क्वेश्चन भी आ चुका है ठीक है एम्बर बॉक्स सब्सिडी एम्बर बॉक्स सब्सिडी बचो वो होती है जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है और जिसको डब्ल्यूटीओ मना करता है हर देश को मत दे भाई ओके ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी है तो ये गई जिनके लिए जी ग्रुप बना हुआ है आपके लिए ठीक है तो अभी जो मिनिस्ट्री मीटिंग हो रही है जिन्हें हमें दोबारा मुद्दा उठा और हमारे जो मिनिस्टर गए हैं पीयूष गोयल ओके तो उन्होंने बोला है कंसर्न उठाया दोबारा कि परमानेंट सोल्यूशन निकालो भाई टेम्प्रेरी सोल्यूशन क्या है अभी बच्चों बाली प्लीस पीस क्लॉज पे चल रहा है सब मामला एक समझौता हो गया की चलो भाई अभी दे लो बाद में देख लेंगे तो इसको परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए इसमें तो ये बात जो है मोटी मोटी अभी आ रही है वहां से निकलकर ट्वेल्थ वर्ल्ड ट्रेड मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है ये ठीक है तो जी थर्टी थ्री ग्रुपिंग के बारे में बच्चों याद रखिए डब्ल्यू टी ओ में ग्रुपिंग है फ्रेंड्स ऑफ द स्पेशल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर शन है हालांकि इसका जी थर्टी थ्री नाम है क्योंकि जब ये बना था जब इसमें जो है थर्टी थ्री कंट्रीज थे लेकिन आज इसमें जो है कंट्रीज हो गए हैं तो अब ये भी सवाल आ सकता है एक में और जिसमें आधे बच्चे फंस जी थर्टी थ्री में थर्टी थ्री कंट्री है या ये भी आ सकता है कि चालीस से कमी है इसमें कंट्री तो आप सोचोगे हाँ यार एक आध तो होंगे ज्यादा ऊपर बट वो फोर्टी एट है इसमें एक्चुअली क्यों फोर्टी एट है क्योंकि बढ़ गए बाद में जब बनाया था जब थर्टी थ्री थे आज जो है फोर्टी एट है लेकिन नाम इसका वही है जी थर्टी थ्री इसमें चाइना भी है इसमें इंडिया भी है इसमें जो है पाकिस्तान भी है ठीक है इंडोनेशिया भी है ऑल राइट सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसमें एक मत है सारे के सारे कि भैया एग्रीकल्चर सब्सिडी हम तो देंगे ही ठीक है दोहा राउंड में कई राउंड हो चुके हैं इसमें उनमें इसका सोल्यूशन अब तक निकला नहीं है समझ गए बच्चों ये सिर्फ एक पार्ट है डब्ल्यूटीओ का जो मैंने आपको बताया ओके एग्रीमेंट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं इसको डब्ल्यू में और कई सारी चीजें पढ़ने की जो आप पढ़ोगे बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम टू लर्न ऑल दोस बट दिस इज द वन मेजरली इंपॉर्टेंट थिंग ग्रुपिंग जो है जी समझ गए जी में सारे देश जो है ओके okay, नहीं, 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 नहीं नहीं जी थर्टी थ्री के मैप नहीं है ये मैप कुछ और ही लग रहा है मेरे को तो जी थर्टी थ्री बचो कौन से ये देश यहाँ पर लिखे हुए है हैं और आप गूगल कर सकते हो ज्यादा मतलब नहीं है मैं इंडिया चाइना बस इनसे मतलब है ठीक है सो दिस इज द थिंग ओके आई होप एवरी थिंग इज क्लियर और कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हो ठीक है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गौरी ठीक है पढ़ाएंगे आपको बच्चों डब्ल्यू टीओ पढ़ाएंगे अभी पूरा पढ़ाएंगे आई आर हो रहा है कल से स्टार्ट कल आप सब आइएगा ठीक है कल आपके लिए आई आर जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज इतना ही पढ़ते हैं अभी ठीक है बिकॉज इतना कंटेंट मैंने जो है पी पी टी रेडी नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द पावर इशू कोई नहीं नेक्स्ट वीक में जो है विल डू मोर टॉपिक्स विल टेक प्रॉपर टू आवर क्लास आज जो है मेरे यहाँ तो मौसम अच्छा हो रहा है आपके यहाँ पता नहीं वो मौसम मजे लीजिए लेकिन वो जो पढ़ाई भी करते करते रहिए और कल पाँच बजे अपन मिल रहे हैं अन अकेडमी यूपीएससी चैनल पर कल से आई आर का मैं कोर्स आपके लिए फ्री में स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो जो मुख्य मुद्दा यही मैसेज है इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको जो है आपके लिए एक मिनट अभी मत लीजिएगा मेरी ओके अन अकेडमी यूपीएससी चैनल पे होगा तो भाई स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जितने भी ग्रुप है वहां पर उसको जो है शेयर कर दीजिए अन अकेडमी यूपीएससी चैनल पे ये होगा मैसेज भी लिख दीजिएगा कल पांच बजे सबको आना है कोल्ड वॉर से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं तो बिल्कुल किसी बच्चे को शिकायत ना रहे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं ओके okay. पीडीएफ सारी आपको सिड यूपीएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी ओके सिक्योर प्रॉब्लम हमारा रेगुलरली पहले भी चल रहा है बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आए बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको छः सात महीने से लगभग इसमें डेली पंद्रह बीस क्वेश्चन कराता था, था और सारे सब्जेक्ट हमने कवर करे इसमें मैं सोच रहा था कि उसके लिए अलग से क्लास लगाऊं कि इसमें से इतने क्वेश्चन है पर मुझे लगा कि वो शायद शोभा जी करना हो जाएगा आई डोंट ओके आई डिड नॉट मुझे लगा कि ठीक नहीं रहेगा बट जो बच्चे हैं उनको पता है यार वो दोबारा आएंगे ही ठीक है तो बच्चों सिक्योर प्रॉब्लम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन मेरे साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है मंडे टू फ्राइडे तीन बजे दिन में तो दिन का समय वैसे भी जो है कोशिश करा करो पढ़ाई इस समय होती नहीं है तो इस समय जो है क्लासें करो आप ठीक है क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेटर ही कुछ ना करने से तो तीन बजे मंडे से ये भी है कल तो कल हम पहले तीन बजे यहाँ मिलेंगे फिर हम मिलेंगे यहाँ पर आई में और आप जो है आज आपने कॉम्बैट दिए होगा आप मेंस की टेस्ट सीरीज भी बच्चों लिख सकते हो अगर आप मेंस दे रहे हो इस बार रिजल्ट आ जाएगा चौबीस जून तक को शायद मोस्ट ठीक है आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो ये दो हजार बीस का रिजल्ट है दो हजार इक्कीस में और बेहतर ले सकते हो आप मेरा सकते हो सेड यूपीएससी से, से, से बचो आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है पांच बार एग्जाम क्लियर करने का पूरा का पूरा, पूरा पर्सनल मेंटरिंग गाइडेंस पूरा का पूरा जो है एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा हेल्प आपकी मेंटरिंग गाइडेंस पूरी होगी कैन टेक द प्लस कॉम्बो, ठीक है वट एवर यू लाइक क्यों लेना चाहिए क्योंकि बच्चों बेस्ट एजुकेटर्स इट ए वेरी पूरी रहती है अनलिमिटेड चीजें आप कर सकते हो एंड टू एंड से लेकर इंटरव्यू तक प्रिंटेड मटीरियल आपको मिलता है लाइव मेंटोनशिप और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है आइकॉनिक में रिजल्ट दो में जो है एक से ज्यादा टॉपर्स रहे और वन से ज्यादा टॉपर्स रहे दो में जिसमें की रैंक थ्री रैंक फोर और रैंक जो थे वो अन अकेडमी के सब्सक्राइबर्स थे प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लिया था उन्होंने कोई इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने नहीं आए वो जैसे बाकी इंस्टीट्यूट करते हैं कि इंटरव्यू दिलवा दिया और फोटो छाप दी वैसे नहीं एक्चुअली में इन लोगों ने जो है सब्सक्रिप्शन लिया था तो टॉप टेन में से बता रहा हूँ तीन लोगों का ए आई आर थ्री फोर और सिक्स तो आप भी सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हो ठीक है अगर बच्चों कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती ऑनलाइन में जो माहौल नहीं मिलता है ऑनलाइन में आप कहीं कही ना कहीं पीछे बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऑनलाइन में आपको कई सारी चीजें बल्कि एक्स्ट्रा मिलती है जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती है जैसे कि अनलिमिटेड क्लासेस पूरी फ्लेक्सिबिलिटी कोई क्लास छूट जाए तो आप उसे देख सकते हो वापस ऑप्शन आप कोई सा ही पढ़ सकते हो ऑनलाइन में जाओगे ऑफलाइन में दो तीन ऑप्शन नहीं थोपने की कोशिश करेगा आप पे वो यहां पर आप चालीस से ऑप्शनल पढ़ सकते हो अगर आप दो तीन ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हो तो दोनों तीनों की क्लासे देखो खुद डिसीजन लो खुद समझदार बनो दोनों तीनों की थोड़ी थोड़ी क्लासे देखो और फिर डिसीजन लो मुझसे बात करो मेंटरिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा ऑल राइट right. यहाँ पर टेस्ट सीरीज है रेगुलर बच्चों यहाँ पे जो फैकल्टी जो ये फैकल्टी यहां है, आ रही है ये फैकल्टी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है क्योंकि को सिर्फ कुछ पूरी दुनिया पूरे दुनिया को पढ़ाना है पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाना है इसी फैकल्टी से तो अकेडमी अच्छी फैकल्टी ले सकता है एक इंस्टीट्यूट को सिर्फ उस शहर के लोगों को पढ़ाना होता है तो ज्यादा अच्छी फैकल्टी वो नहीं ले पाता है तो जो बेस्ट एजुकेटर्स एजुकेटर्स आपको इस लेवल के मैं ऐसा नहीं कह रहा ऑफलाइन में नहीं है ऑफलाइन में भी हैं लेकिन बच्चों वो ऑफलाइन पूरे भारत में एक या दो या तीन ही हैं या तो आप उनमें जाकर लीजिए उनकी फीस है ढाई लाख तीन लाख रुपए ठीक है उसी लेवल का आपको उससे बेटर लेवल का एक्सपोजर आपको मिल रहा है यहां पर ऑल राइट और सब्सक्रिप्शन में यह फायदे होते जो कितनी बार भी पढ़ सकते हो आपको किसी एजुकेटर से नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं दूसरे से पढ़ लो और आप जो है बैचेस में एनरोल करके पढ़िए पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको कुछ करना ही नहीं है बाईस तारीख से बैच चालू हो रहा है ये इसमें एनरोल कर लिया सारा जीएस आपका हो जाएगा फिक्स समय पर क्लास होती है रोज एक रोज फिक्स समय पर होगी दो घंटे की क्लास होती है रेगुलरली पहले हिस्ट्री खत्म करा दिया फिर जोग्राफी करा दिया पॉलिटी करा दिया ऐसे आपका सिलेबस खत्म और आपको बाद में लगता है कि यार जोग्राफी में थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा

लेकिन उसमें ज्यादा श्रेय मैं खुद को ही दूंगा कोचिंग के भरोसे तो कुछ होता भी नहीं वैसे भी तो उस कोचिंग में बच्चों जिसमें मैंने लिया था भारत की वो नंबर वन कोचिंग थी मैं नाम नहीं ले सकता उसका ऑब्वियसली आपको पता है क्यों नहीं ले सकता ठीक है जिस क्लास में बच्चों में बैठता था, था ना उस क्लास में उस क्लास में 300-400 बच्चे बैठते थे एक साथ ठीक है दो घंटे की क्लास होती थी जीएस की मेरे ध्यान है मेरे को कुर्सियां भी इस तरह से बनी हुई थी सीधी सीधी ऐसी कुर्सियां नहीं थी जिसके पैर ऐसे पसरे हुए होते हैं ताकि कम जगहों में ज्यादा कुर्सियां लगाई जा सके और बच्चों को घुसाया जा सके ठीक है 300-400 बच्चों की क्लास में बैठा दिया जाता था मुझे और एक टीचर आते थे सामने जो हमें दिखते थे ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही जो है कोई दूर था हाँ दिखते थे हमें आराम से माइक लगे थे स्पीकर अगर वो बोले नॉर्मली तो आवाज ही नहीं जाए तो जगह जगह पूरे पीछे तक स्पीकर लगे हुए थे माइक सिस्टम होता था और हम कहीं बैठो आपको आवाज पूरी आती थी लेकिन आप सवाल कुछ भी नहीं पूछ सकते हो उस क्लास में क्योंकि बच्चों चार लोगों में सवाल पूछना तीन लोगों में सवाल पूछना इस उम्र में आपकी उम्र में मुझे बैठा दो कि मैं तो अच्छे से छह छह सवाल पूछना मुझे फर्क नहीं पड़ता बगल में चार सौ बैठे हैं या हजार बैठे हैं मगर आपकी उम्र में इतना एक्सपोजर नहीं होता है जिस उम्र में इक्कीस साल बाईस साल उसमें से एक सवाल पूछने में भी ना आदमी घबराता है अंदर से क्या पूछू और एक पूछ भी लिया तो टीचर जवाब दे देगा हाँ आपको समझ में आया नहीं है सर दोबारा क्रॉस क्वेश्चन आप हिम्मत नहीं कर सकते हो फिर आप बोल दोगे सर क्लास के बाद तो जो क्लास के बाद टीचर जो है निकल जाता था फट उस गेट से और हमें जो है इस गेट से निकाला जाता था बाहर दूसरे गेट से बाहर सीधा एंट्री भी हाई उस गेट से होती थी और निकल हम उस गेट से जाते थे शायद कुछ लोग जान गए होंगे कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं और जब तक हम टीचर के पीछे जाते थे पूरी भीड़ को पूरी भीड़ जा रही है तो पीछे के गेट से हमें मिलना है टीचर से कुछ पूछने के लिए तो पहले हम पूरी भीड़ को के खिलाफ अगेंस्ट द फ्लो जाकर हमें उधर जाना है उस गेट से बाहर निकलना है टीचर से मिलना है टीचर के पास है सिर्फ दस मिनट और दस मिनट और हमें खड़े तीस बच्चे और दस मिनट बाद टीचर की वो दूसरी क्लास है उसको दूसरा बैच ले लेना है उसमें दोबारा तीन सौ बच्चे आके तैयार है वेट कर रहे हैं तो वो भी क्या बता पाएगा आप खुद ही सोचोगे इसको जाने दो लेने दो क्लास ओके तो ये यही एक्सपोजर होता है टॉप इंस्टीट्यूट का जहां मैं पढ़ाऊँ और मुझे बाकी इंस्टीट्यूट का आइडिया नहीं है क्या होता है ठीक है तो यहां बच्चों आपको बेटर तरह से उससे गाइडेंस मिलती है पर्सनली आप जुड़े रहोगे ओके आपको मेंटरिंग वगैरह मिलेगी आइकॉनिक में तो आपको पर्सनल मेंटरिंग अलग से भी मिलती है तो सी द प्रोज एंड कॉन्स कॉन्ोगे ऑप्शनल आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं हर माध्यम में है और हिंदी में है अलग ओके पी में सॉरी बायोलिंग्वल में है इंग्लिश में भी है तो लैंग्वेज का भी इशू नहीं और बच्चों लैंग्वेज का ध्यान रखें जिस भी लैंग्वेज में आपको देख देना है मेन्स एग्जामिनेशन तैयारी भी उसी लैंग्वेज में करिए ठीक है चाहे आप इंग्लिश में दे रहे हो चाहे आप हिंदी में दे रहे हो जो भी है और लैंग्वेज का को कोई मतभेद ना रखिए हिंदी वाले सोचते हैं हमारा होता नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है हिंदी वाला इस बार तो अच्छी रैंक भी लाया एटीन रैंक लाए हैं क्या नाम है सिहाग नाम है उनका तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे एक्चुअली मेन्स देते ही कम है इसलिए फाइनल लिस्ट में कम आते हैं हिंदी से बट कोई नहीं अगर आप हिंदी में देना है तो हिंदी में दीजिए लेकिन पढ़ाई भी हिंदी में कीजिए फिर ठीक है इंग्लिश में देना इंग्लिश में दीजिए पढ़ाई भी पूरी आपकी इंग्लिश में कीजिए क्योंकि वो मेंस में बहुत काम आती है कोड आपसे ड्यूपीएससी करोगे तो मैं आपको गाइडेंस मेंटरिंग वैल्यूटेशन मटेरियल सारा दूंगा और कल से फ्री क्लास चालू रही है यूट्यूब के ऊपर ठीक है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ो जब भी लो तो ताकि आप ऑप्शनल भी पढ़ पाओ और मेंटरिंग भी मैं उसी हिसाब से करता हूँ कि ऑप्शनल और जीएस और करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ एक साथ तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप प्लस का ले सकते हो कोई जबरदस्ती नहीं आइकॉनिक ही लेना है सर या प्लस लेना है जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो ले सकते हो कॉम्बो लेना है डेढ़ साल या दो साल का ऑल राइट अलग से वैसे जीएस वगैरह का भी ले सकते हो बट मैं आपको यहाँ पर जो है कॉम्बो रिकमेंड करूँगा डेढ़ साल दो साल जो भी आपको सही लगे लोन पे भी आप ले सकते हो कोई ज्यादा जो है आपके लिए कोई ब्याज नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपको जो मूल के जो फीस है वही चुकानी है आसान किश्तों में तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है वहां पर आप फॉर्म भर सकते हो और लोन से भी आप सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा सिड यू टेलीग्राम चैनल है री वेरी वेरी गुड बाय ठीक है सर आई बीटेक फर्स्ट ईयर शुड अभी बिल्कुल सही समय है जो है झंडा गाड़ने का धीरज बिल्कुल चालू कर दीजिए आप थैंक यू एवरीबडी थैंक यू ठीक है क्लास टाइम इज टुमारो डू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल एवरीथिंग विल बी एवरी लिंक विल बी सेंड जितने भी फ्री फ्री क्लासेस के जो भी लिंक है वो सारे इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम पे चैनल पे आ जाएगी तो कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ऐप आपके हो गई इसमें कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना और सब्सक्रिप्शन नहीं लेना इसके ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम खोलो अपना सी डी टाइप करो ओके सात आठ हजार मेम्बर हैं ग्रुप में तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपके सारे लिंक्स जो हैं मिल जाए आपको ठीक है ओके ध्यान रखिए बच्चों कोई भी दिक्कत हो अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई जब जबरदस्ती जब, 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 नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने की ओके कोई और लेकिन आप मुझ तक जो है मुझसे बात कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं छोटी मोटी अभी प्रॉब्लम है वैसे ही सॉल्व कर दूंगा तो उसमें कभी संकोच ना करिए ठीक है।, है आपको मुझसे जुड़ना है आप टेलीग्राम पे पहुंच जाइए आप डायरेक्टली मुझसे सब हर जगह मुझसे जुड़ जाओगे ठीक है इसी के साथ अलविदा और ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत ऑल राइट टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट